आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ आज नामांकन करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से बात भी की और शहर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना और बिलासपुर विधानसभा सीट से सरदार बलदेव सिंह औलख नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। नामांकन के गेट पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रही। पुलिस बल ने रास्तों को बैरिकेडिंग से रोक के रखा और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दिया। दंगों और दबंगों की सियासत रही है, उसका सुपड़ा साफ करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैंने जो कहा कि आज कभी बहुत पहले हुआ करता था, जो सांप्रदायिक और सोच से भरपूर MY फैक्टर था, आज का MY फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ये MY फैक्टर जो है वो मोदी जी का है और योगी जी का है। और ये MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। मैनपुरी में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके संबंध में आज पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि तीसरे चरण के नामांकन जनपद में शुरू होने वाले हैं और अंतिम तिथि 4 फरवरी से है। इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। नामांकन करने के लिए प्रत्याशी के साथ में 2 लोग मौजूद रहेंगे। चुनाव डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 से 10 कैंडिडेट तक चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। कल 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी के साथ नामांकन पत्रों को लिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2022 तक निरंतर चलती रहेगी। व्यवस्थाएँ इस बार परिवर्तित हुई हैं कुछ, और जो संख्या निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भी, उससे सबको अवगत कराना था। दूसरी मुख्य बात थी कि जो चुनाव प्रचार का तरीका अभी अपनाया जा सकता है राजनीतिक दलों द्वारा, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उससे सबको अवगत कराने के उद्देश्य से कि जो वीडियो वैन के माध्यम से जो प्रचार करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वो आपके सामने विस्तार से रखा गया कि वीडियो वैन के माध्यम से वो केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही केवल 500 या उस वहाँ की क्षमता का आधा या SDM द्वारा निर्धारित संख्या में जो कम संख्या हो उतनी संख्या तक के द्वारा वो प्रचार कार्य कर। खबर सहारनपुर से है, जहां पर चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। हाल ही में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इमरान मसूद मीडिया से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन का मौका था, जहां पर उन्होंने जिन्ना से लेकर पाकिस्तान तक खुलकर बोला। सरदार पटेल हमारे आदर्श, सुन लीजिए, सरदार पटेल हमारे आदर्श है, सरदार पटेल हमारे आदर्श है, जिन्ना हमारे आदर्श नहीं है। जिन्ना हमारे आदर्श होते तो हम भी पाकिस्तान में होते। हम जिन्ना को अपना गुनाहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया, जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाईं। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे, ना हमारे बाबा और अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिनको सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बताती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उन्हीं की सरकार के अंदर, मुस्लिम लीग के AK फजलुल हक साहब की सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर 12 दिसंबर 1941 को उन्होंने ओथ ली थी। सहारनपुर में विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें सहारनपुर नगर विधानसभा से संजय गर्ग और बेहट विधानसभा से उमर अली खान ने नामांकन किया। वहीं देवबंद विधानसभा सीट के लिए कार्तिकेय राणा ने सपा के
सिंबल पर पर्चा भरा है। नामांकन के लिए सभी सपा प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है, साथ ही कहा कि किसानों का सबसे अहम मुद्दा रहेगा। भाई हमारे पहले तो मैं आप लोकेशन के माध्यम से शुभकामना देना चाहूँगा कि भाई हम लोग आज नामांकन कर रहे हैं बड़ों की दुआओं से और साथियों के साथ से, और मैं हमारे मुद्दा मेन जो है सड़क बिजली पानी का, हमारे यहाँ घाटा क्षेत्र है, हमारे सबसे पहली लड़ाई इसी के मामले में रहेगी, और ऊपर वाले ने चाहा कि अगर कामयाब होकर आते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा भेंट के अंदर कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे कि पानी की समस्या का हल हो सके। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उन लोगों उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हमारे घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो किसानों को मुफ्त बिजली और उसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ हम समाजवादी पार्टी करने का कार्य करेगी। साथ में जो हमारी पहली योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बंद हो गई थी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की पेंशन की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी अपने घोषणा पत्र में आपको देखने का मिलेगा कि यह भी वादा किया है 5,000 रुपये सालाना महिलाओं को पहले पेंशन मिला करती थी, वो 15,000 रुपये बढ़ा के समाजवादी पार्टी 2022 से 2027 के कार्यकाल में देने का काम करेगी। देखिए लोग बाग महंगाई से बहुत ज़्यादा आजीज हैं, उसके अलावा बढ़ती हुई बेरोजगारी ने लोगों को घरों पर बैठाने के लिए मजबूर किया है, जिससे नौजवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे जिस तरह से बंद होने का काम हुआ है, आम लोगों में ये धारणा है कि ये आरक्षण को चौपट कर किसी भी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। किसानों का जो 12 महीने हड़ताल रही जिसमें 700 किसान शहीद हो गए और बेशर्मी के तहत उन्हें अपमानित किया गया, कभी आंदोलनजीवी कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी नक्सलवादी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, और उसके बाद उन्हें वापस होने के बाद भी साफ नियत सरकार की नहीं है, और गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर में किसानों को अपनी जीप से रौंदने का काम करता है, इन तमाम चीजों से लोगों में भारी गुस्सा है, और वो आने वाली 14 फरवरी को बांदा में दिव्यांगों के साथ जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से मतदाताओं से 75% प्लस मतदान की अपील की गई है। जिलाधिकारी जनपद के तमाम अधिकारियों के साथ दिव्यांगों को लेकर पैदल शहर की सड़कों पर निकले। 23 फरवरी को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है। जब हम 3-4 किलोमीटर चल सकते हैं तो आप भी 23 फरवरी को चल करके, पैदल चल करके 23-2 को वोट करेंगे और मादा जनपद का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा 2017 में मात्र 59.65% वोटिंग हुई थी और हमारा जनपद विधानसभा चुनाव में प्रथम श्रेणी में भी पास नहीं हुआ था। तो इस बार जो 23 फरवरी को मादा जनपद की चारों विधानसभाओं में वोटिंग है, उसमें हम लोग 75% से अधिक मतदान करने के लिए विशेष योग्यता के साथ पास होने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हमारे जितने दिव्यांगजन हैं शहर में घूम घूम करके, कुंडी खटखटा करके लोगों से 75% से अधिक मतदान करने की अपील कर रहे हैं। रायबरेली में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर एडीजी बृजभूषण समीक्षा करने पहुंचे। पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। एडीजी ने कहा है कि बूथवार स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब को लेकर भी महकमा गंभीर है, अवैध शराब और लिक्विड के फ्लो पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है। जिला लेवल पर हर मतदान केंद्र बार समीक्षा करके कार्रवाई हो रही है, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ट्रबल मेकर्स हैं, उनको छांट लिया गया है, एक एक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध शराब पर पूरा फोकस है, किसी भी दशा में अवैध शराब का धंधा नहीं होने दिया जाएगा, चुनाव में भी इसका इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जगह जगह पर बैरियर लगा करके, पिकेट लगा करके चेकिंग की जा रही है, जैसे ब्लैक मनी का फ्लो ना होने पाए, शराब की फ्लो ना होने पाए, लाइसेंसी पेपर जमा करा लिए गए मैक्सिमम, कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हर वोटर अपने मन से जहाँ चाहे निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें गंगो विधानसभा से नोमान मसूद और रामपुर मनिहारना सीट से रविंद्र कुमार मोलहू ने पर्चा भरा। नामांकन के बाद बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, साथ ही बहुजन समाज पार्टी में हुए विकास कार्यों और सुशासन की याद भी दिलाई। टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, बहन जी का आशीर्वाद मिला है और चुनाव जीत रहा हूँ। गंगो विधानसभा से पहला नॉमिनेशन किया है, पहली बार मैं आया इस चुनाव में और सर्टिफिकेट लेके सबसे पहले मैं ही जाऊंगा इस जिले में। मेरा मुकाबला बीजेपी से ही होगा वहाँ पे। देखिए, मुद्दे तो आपके सामने हैं, हालात जो बने हुए हैं, महंगाई बहुत चरम पर है, त्राहिमाम मचा हुआ है और योगी जी खुलेआम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाऊंगा। वो बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? माफियाओं के पे चलाइया, कोई इतराज नहीं, लेकिन जिस तरीके का मॉब लिंचिंग और ये तमाम हरकतें हुई हैं तो मॉब लिंचिंग करने वालों तो बुलडोजर चला नहीं। सारे विकास कार्य इतने करवाए मैंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सड़क नहीं बनवाई शहर में, एक बिजली घर नहीं लगवा। मैंने कम से कम 1,000 करोड़ रुपए काम करवा रखे रामपुर विधानसभा में। तहसील बनवाई, बिजली घर लगवाई 14, सारी सड़कें बनवाई, 55 गांव सैचुरेट कराए थे, बिजली पानी सड़क से और कच्चे मकान सारे पक्के बनवाए थे और पूरे 40,000 पेंशन बनाई थी महामार। खबर बांदा से है, जहां नामांकन प्रक्रिया को लेकर पुलिस अधीक्षक ने तहसील परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक अफसरों के साथ आला अधिकारियों को लेकर तहसील पहुंचे। आपको बता दें कि 27 जनवरी से विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सदर तहसील को नामांकन स्थल बनाया गया है। जो कि सदर तहसील बांदा में होगा, आज उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। पूरी चीज़ें देखी गई हैं, कहाँ किस तरह से बैरिकेडिंग होगी, कहाँ से ट्रैफिक को रोका जाएगा, किस तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जाएगा, सारी चीज़ों को आकलन करके हम लोगों ने तैयारी को पुख्ता किया। खबर बिजनौर से है, जहां नामांकन के चौथे दिन आज सपा रालोद बीजेपी के 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें बीजेपी से डॉक्टर यशवंत सिंह नगीना, विधानसभा से नहटौर से ओम कुमार, चांदपुर से कमलेश सैनी और बड़ापुर से सुशांत सिंह और सपा रालोद गठबंधन से बिजनौर सदर से डॉक्टर नीरज चौधरी और बड़ापुर सीट से कपिल गुर्जर ने नामांकन करा। सबका विकास सबके विश्वास पर मैंने पहले काम किया है और अब भी मैं उसी के अनुसार काम करूंगी। एक वैसे मेरे क्षेत्र में काम बचे नहीं है, मेरे क्षेत्र में जो एक दो काम बचा हुआ है उसको मैं अब पूरा कराऊंगी। माननीय अखिलेश जी, माननीय जयंत जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनमें मुझ में विश्वास व्यक्त किया, गठबंधन का प्रत्याशी मुझे बनाया है और मैं दोनों अपने नेताओं को वचन देता हूँ कि मैं सीट से जीत के आऊँगा और माननीय अखिलेश यादव, माननीय जैन जी की सरकार बनवाऊंगा। हमारा कभी मुकाबला रहा ही नहीं है, नहटौर विधानसभा 2008 में बनी है और तब से लेकर आज तक जो है हमारा ही वर्चस्व है और आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना है और आप लोगों से, सबसे, अपने जनता से, अपने नहटौर वासियों से, जिले वासियों से यही कहना है कि मेरी मदद करें और मुझे कमल का मेरा बटन है, उसे 14 तारीख को जब वोटिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं और भारी मतों से नहटौर विधानसभा। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे विधायक जी? लगा दी निश्चित रूप से। यही है कि हम जनता के सेवक हैं और हमने जनता की सेवा करने का ही बीड़ा उठाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूस विकास की रफ्तार और नगीना विधानसभा में, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी विधायक के रूप में नहीं है, इसलिए बहुत से ऐसे कार्य छुपे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनको होना ज़रूरी है। कई सारे पुलों की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, आमतौर से कई पुलिस चौकी की ज़रूरत है, एक PSC की ज़रूरत है, कैसे मेडिकल कॉलेज चल रहा है लेकिन उसमें प्रगति लाने की ज़रूरत है,
ऐसे ही विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका मेन मुद्दा मेरे यहाँ तहसील नहीं है। तहसील आने के लिए मेरे क्षेत्र के लोग बागों को कम से कम 20 से 30 किलोमीटर आना पड़ता है। चिकित्सा के लिए कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है और मेन मुद्दा वहाँ है कच्ची जमीनों का। मैं उनके लिए मुद्दा उठाऊंगा और सरकार सही तो उनको मालिकाना। खबर फिरोजाबाद से है जहां टूंडला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर से चुनाव कार्यालय का सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि शिखर आश्रम बगीचे पर भाजपा का चुनाव कार्यालय खोला गया है जिसका भाजपा प्रत्याशी समेत अन्य भाजपाइयों ने विधि विधान से हवन पूजन कर शुभारंभ किया। खबर मैनपुरी से है जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ कस्बे में पैदल भ्रमण किया। इस मौके पर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा, नवीगंज चौकी प्रभारी रिंकेश शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। खबर सहारनपुर से है, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज भाजपा के दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया जिसमें नुकूर से मुकेश चौधरी और बेहट विधानसभा से नरेश सैनी ने नामांकन किया। वहीं प्रत्याशियों ने कहा कि ये मोदी और योगी का युग है, आज माफिया राज गुंडा राज का खात्मा हो चुका है। योगी जी बुलडोजर का स्टीयरिंग थाम कर गुंडे माफियाओं की छाती पर खड़े हैं। प्रदेश की नंबर एक सीट बेहट पर किसी की टक्कर नहीं है। भाजपा का एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नरेश सैनी जीत के जा रहा है। क्या कारण रहे कि कांग्रेस छोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी? मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ। जो नीतियाँ 5 साल से चल रही थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीत रही है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार पुनः बनने का काम है। कि मैं पिछली बार विपक्ष का विधायक था और विपक्ष के विधायक रहते हुए भी फिर भी मेरे क्षेत्र में 48 जल इकाइयों की वो आ गया है एस्टिमेट बन गया और उसका सर्वे भी चल रहा है और पैसा भी उसका आने वाला है। जल्दी शीघ्र ही चुनाव के बाद उन पर काम लग जाएगा। रायबरेली में चुनाव के पहले ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों को भी गांव आने से मना किया गया है। आजादी के बाद से अब तक ग्रामीणों के लिए सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीण अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीण सड़क नहीं बनने पर एक प्रत्याशी को भी वोट नहीं देंगे। लोगों के यहाँ खेत है, हम लोगों के यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है और यहाँ सब अधिकारी आते हैं बस इसी तरह का झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, हमको रास्ता चाहिए। हमारे यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम सब रास्ते का रोड नहीं तो वोट नहीं, इसलिए चुनाव आयोग का हम लोग बहिष्कार करते हैं। बड़ी बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ की कि हम लोगों ने ज्ञापन यानी तहसील दिवस के दिन हम लोगों ने SDM महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें भी कोई कार्य नहीं हुआ। फिर माननीय डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वहां भी ज्ञापन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खबर मैनपुरी से है जहां मैनपुरी सदर प्रत्याशी जयवीर सिंह के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी हरसिंहानंद ने किया। वहीं जयवीर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को अपना मित्र मान रहे हैं और जिन्ना का मुद्दा तो उन्हीं ने उठाया था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, प्रदीप चौहान सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। किसी भी चुनाव के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है, केंद्रीय कार्यालय का आज रात्रि का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है जो आपके सामने है और जिस कार्यक्रम में आप जनता के अपार स्नेह प्रेम दुलार की प्रगति देख रहे हैं कि जन सैलाब आपके सामने है। लोगों की तमाम भूख बुजुर्ग जो घर से चल कर के निकल के आए हैं 80-90 साल के, उनकी आत्मा की आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में एक बार उन्हें स्थापित हो। उन्हें एक बार उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार।
खबर मैनपुरी से है, जहां आजाद हिंद फौज में अधिकारी रहे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहनवाज खान की जयंती पर शहीद गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में शहीद मेला संयोजक राज त्रिपाठी ने बताया कि 24 जनवरी 1914 को जन्मे शहनवाज खान आजाद हिंद फौज के प्रसिद्ध अधिकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जनरल शहनवाज खान कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल के ऊपर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया। इस अवसर पर शिव नारायण दीक्षित आदि लोग भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में आगामी 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में सिद्धार्थनगर पुलिस ने परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में आगामी गणतंत्र दिवस 2022 पर आयोजित किए जाने वाली परेड का ग्रैंड रिहर्सल किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के तरफ से आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दृष्टिगत परेड में शामिल कई टोलियों का निरीक्षण किया गया है और ध्वजारोहण का परेड का पूर्वाभ्यास कराया गया। परेड में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों और अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण हुआ। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सिद्धार्थनगर में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ निजी विद्यालय खोले जाने को लेकर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के लोगों ने जिला उपाध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी इटवा को देते हुए राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ प्रबंधक नादिर सलाम ने कहा है कि कोरोना के नाम पर 30 जनवरी तक स्कूल को बंद करना और शिक्षक के साथ बच्चों के भविष्य और स्कूलों के जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र है। निजी विद्यालयों के साथ समस्त विद्यालयों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोला जाना चाहिए। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कैसा ज्ञापन था? राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक की तरफ समिति की तरफ से ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्य सचिव महोदय को यह ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है वो प्राइवेट संस्थानों की, प्राइवेट विद्यालयों की और हमारे नौनिहाल बच्चों की हुई है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये महामारी में हमारा सहयोग ना रहे। हम पूरी तरीके से इसमें सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इसको नजरअंदाज कर रही है। इसमें हमारा किसी तरह से मदद नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम 50% बच्चों को विद्यालय में बुलाएं और पठन पाठन जारी रखें, जिससे जो ये विद्यालय से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे जो है अध्यापकगण, आज अध्यापक जो है महामारी भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। अध्यापक की हालत ये हो गई है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। आज ज्ञापन दिया गया है आप लोगों के माध्यम से, किस तरह का ज्ञापन था ये? सर, ये ज्ञापन विद्यालय को खोलने को लेकर के दिया गया है, जो है महासचिव जी को और महामहिम राज्यपाल जी को। आज जिस प्रकार से लगभग की 1 जनवरी से विद्यालय को बंद किए जा रहे हैं, जबकि देखा जा रहा है कि माघ मेले की तैयारी हो रही है। माघ मेले में लगभग 50 लाख लोग वहां एकत्रित होने वाले हैं। साथ में हमारे यहां क्षेत्रीय जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 10,000 लोग हर साप्ताहिक बाजार में आते हैं। तहसील में आप देख सकते हैं हजारों लोग रोज यहाँ पर अपने कार्य के लिए आते हैं। हमारे जो नेतागण हैं, किसी भी गांव में आप जा करके देखिए, वहां सैकड़ों बच्चों के साथ क्रिकेट का उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं। लखीमपुर में मेतौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गन्ने के खेत में एक नाबालिग दलित किशोरी का शव मिला। सुबह खेतों की ओर गए लोगों ने गन्ने के खेत की मेड़ के पास शव पड़ा देखा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। 15 साल की किशोरी के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी थी। संदिग्ध अवस्था में दलित किशोरी का शव मिला है। शव देखकर लोग रेप की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन मौके पर पहुंचे और जांच में जुटे। भैया कुछ नहीं जानकारी रहा है, ये जानकारी रहा है कि घर से गई है तो हम टट्टी कह रहे हैं तो हमारी बिटिया मैंने कर दी तो ये तब हुई आना मैंने वहाँ से चली आई तो हम कहीं कोई लड़की संग गई हुई है आई वे करिए तो उसके चक्कर में हम ढूंढे नहीं कर निकले। हाँ,
फिर अभी का ढूंढे नहीं निकले, फिर हम रास्ता देखा जब बाद भागवत बंद हो गई तब हूँ नए, तब हम इका ढूंढम शुरू करें। तब पहले तीर परोस हम ढूंढ डाले न कहूँ नहीं मिली, तब अपने यहाँ गाँव दखने गाँव में है बकरिन में ढूंढे न हम कन कांपता डरन मारे, जिसे हमारे कहीं रहे बिटिया हमारी तब तय डरन मारे पहुँच रही हो, तब सबके यहाँ जगह जगह ढूंढन जाए कहूँ नहीं मिली। तब अपने यहाँ जीजी का जगह नए पितेवती, तब उनका लड़का सबका चार जनिन के यहाँ, तब हम गाँव में ढूंढे आए नहीं यहाँ ग्वारक फुल्ले, तब उनके यहाँ सब जगह नहीं उनका प्रकाश के यहाँ, तब प्रकाश उठे तो सब कहूँ देख डाय तबू नहीं दिखानी कहूँ चली गए मानी नए भागवत सुने, तब के नहीं है तो इनका बहुत पिटबा। फिर हम इनके ना गईबे करिए तो कोई संगम गई हुई हम ढूंढे उनका कहा जाइ, तब हम कह कोई संगम गईबे करिए तब हम फिर ढूंढे ना गए। फिर हम रास्ता देखत रहने 11 बजे रात ले 11 बजे के बाद हम फिर इनका ढूंढना शुरू करे हम, तब सब स्कूल सचिवालय सब ढूंढ आए ने अगौरे पिछौरे सब ढूंढ आए ने, जब कहूँ ना मिले तब हम घरन घरन सबके ढूंढे लगे ने हमारी बिटिया कहाँ है हमारी बिटिया कहाँ है, तब कोई ना सकल कोई यहाँ ना मिली। तब जब इंगे ढूंढे आए तले एक लड़का गाँव कर देख ली सड़क पर से, तब बताई जाए घर हमारे लड़का से ने, तब वो बताई से हमसे तब सबको। खबर सिद्धार्थ नगर से है जहां शौरतगढ़ पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। वहीं अभियुक्तों से लैपटॉप और 20 मोबाइल सहित नकदी भी बरामद की गई है। एक नकबदनी की घटना हुई थी जिसमें काफी मोबाइल लैपटॉप और मोबाइल का जो एसेसरीज है की चोरी हुई थी। ये हमारी सोरतगढ़ थाने की पुलिस उपनिरीक्षक रामा प्रसाद यादव के नेतृत्व में लगी हुई थी। लोकल बीट पुलिस अधिकारी ने हमारे सूचना डेवलप किया और उसके आधार पर एक गैंग आज गिरफ्तार हुआ है, जिसमें ये इंद्र कपूर, राहुल और आलोक, 3 ये युवक पकड़े गए हैं। जितना सामान चोरी हुआ था संपूर्ण सामान बरामद हुआ है, इनसे अभी पूछताछ हो रही है। इनके द्वारा भी और भी जो घटनाएं पूर्व में हुई हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता हो सकती है। खबर बस्ती से है जहां बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से हरैया तहसील में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश और ओले से बड़े पैमाने पर सरसों, आलू और सीजनल सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं उप कृषि निर्देशक अनिल कुमार ने बताया कि कुछ जगह पर बारिश और ओले पड़ने की सूचना मिली है। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए टीम लगातार सर्वे कर रही है। मौसम 3 दिन से तो ज्यादा खराब है। कितने बड़े बड़े ओले गिरे थे रात में? लगभग 1/2 इंची 1 इंची के करीब। तो क्या कहेंगे सरकार से, अब क्या मांग? सरकार से कहेंगे हम लोग इसका मुआवजा दिलाए। सरसों की फसल लगभग 75% खराब हो चुकी है। और कौन सी फसल खराब हुई? गेहूं की फसल है, ये भी लगभग पानी लग गया है। जो गेहूँ सींचा था सब पीलापन आ गया है। आलू की फसलों का भी नुकसान? आलू की फसलों का भी नुकसान हुआ है। गन्ना भी गिर गया है, सब लोट पोट हो गया है। तो मौसम साफ हुआ अभी की? नहीं, अभी तो मौसम विभाग के अनुसार लगभग 30 तारीख तक ठंडा का और मौसम जो है खराब रहेगा, चेतावनी जारी है। 75% कौन कौन सी फसल नुकसान हुई है? सरसों, गेहूं। तो कितना दिन से मौसम खराब है? अभी लोट पेट गया ही तो। मौसम कितना दिन से खराब है? मौसम एक हफ्ता से खराब है। तो कल बरसात ज्यादा तेज हो गई? हाँ हाँ, बहुत खेत में कम से कम 1 फीट पानी भरा है। तो फसलें बर्बाद हो गई पूरी? हाँ बर्बाद है। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? 75% तो नुकसान है पूरा, सरसों और सब झरी हुआ पाती वाती सब होकर। जो शाम से और रात में बारिश हुआ है हल्का, तो उसका फसलों पे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ जगह हल्की ओले की सूचना मिली है। वहाँ स्टाफ को भेज दिया, सर्वे कराया जा रहा है और जैसी, और उसमें बीमा कंपनी को भी लगाया गया है, क्योंकि अगर फसलों में नुकसान होगा तो बीमा कंपनी साथ में रहेगी, उनको लॉसेस की वो हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।